लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गुट के बीच सीट शेयरिंग को लेकर तनाव थमता नजर आ रहा है। उद्धव ठाकरे कांग्रेस नेता संजय निरुपम के लिए उत्तर पश्चिम मुंबई सीट छोड़ने के लिए राजी हो गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच मुंबई क्षेत्र के 6 लोकसभा सीटों को लेकर समझौता तय हो गया है। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे की बातचीत के बाद एमवीए के बीच सीट बंटवारे का बड़ा विवाद हल हो गया है। कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच मुंबई की 6 लोकसभा सीट बंटवारे को लेकर जारी गतिरोध खत्म होने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक मुंबई में शिवसेना यूबीटी 4 और कांग्रेस 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जानकारी के अनुसार उद्धव ठाकरे कांग्रेस नेता संजय निरुपम के लिए उत्तर पश्चिम मुंबई सीट छोड़ने के लिए राजी हो गए हैं। आपको बता दें, पहले शिवसेना यूबीटी ने सीट से अमोल कीर्तिकर को उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया था। मुंबई उत्तर पश्चिम सीट के बदले में कांग्रेस ने भी दक्षिण मध्य मुंबई सीट से दावा छोड़ दिया है। इस सीट से अनिल देसाई शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक शिवसेना यूबीटी दक्षिण मुंबई, दक्षिण मध्य मुंबई, उत्तर पूर्व मुंबई की सीट पर चुनाव लड़ेगी। वहीं कांग्रेस उत्तर मध्य मुंबई, उत्तर पश्चिम मुंबई सीट पर चुनाव लड़ सकती है। सूत्रों की माने तो 5-6 मार्च को सीट शेयरिंग का ऐलान वरिष्ठ नेता शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नाना पटोले और प्रकाश अम्बेडकर के नेतृत्व में किया जा सकता है। सूत्रों की माने तो शिवसेना 23 सीट मांग रही है, पर शिवसेना को 20, कांग्रेस को 18, एनसीपी को 10 सीटों पर सहमति बन सकती है। वहीं अगर प्रकाश अम्बेडकर राजी हुए तो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस अपने कोटे से वंचित बहुजन अघाड़ी को सीट देगी। ये भी दावा है कि कांग्रेस अपने कोटे से हथकन गले की सीट राजू शेट्टी को देगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।